दोस्तों, ये मारुति वैन ओमनी एम्बुलेंस गाड़ी है। ये गाड़ी रोड पर बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा। मेरे आने से पहले ड्राइवर इसको फ्यूज चेक कर लिया, लेकिन फ्यूज मैंने भी चेक कर लिया, फ्यूज ठीक है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसको क्या प्रॉब्लम हो गया देखने के लिए मेरे पूरा वीडियो को आप लोग को देखना पड़ेगा। इसी तरह कोई सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग को मेरे साथ देना होगा, क्योंकि मेरे चैनल में 3500 सब्सक्राइब हो गया। इसी तरह मैं वीडियो बनाते रहूँ तो अगले संडे से पहले मेरे को 5000 लाइक करके बताओ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करके देखूंगा स्टार्ट हो रहा है क्या। आप लोग देखिए कितना लंबा सेल्फ ले रहा हो, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, पहले तो मैंने फ्यूज़ को चेक कर लिया, फ्यूज़ ठीक है, लेकिन ये जो घोटी फिल्टर है, घोटी फिल्टर को जैक में लाइन नहीं आ रहा है, गैस भी सप्लाई नहीं हो रहा है। लाइन नहीं आएगा तो घोटी फिल्टर में तो गैस सप्लाई नहीं होगा, पूरा ढीला है। दोस्तों देखिए, मैं चेक करके देख लिया, यहीं पर जो तार है वो तार वहीं पर जो तार है वो तार इमुलेटर से आया, टैंकी में गया, घोटी फिल्टर में गया, गैस स्विच में चला गया। यही तार यहीं पर जोड़ा था, ये जोड़ा पूरा दोनों हीट होके दोनों तार तीनों तार एग्जास्ट हो गया। इसका कारण में इसका जो स्विच था, गैस का स्विच, गैस और पेट्रोल का ऑटो रिले जो स्विच था, वो ऑटोमेटिक स्विच खराब हो गया। थोड़ा सा तार छील के ले लिया मैंने, अभी डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आप लोग का कैसे डायरेक्ट करना होगा। डायरेक्ट पेट्रोल करना होता है, डायरेक्ट गैस होगा, तो अभी तो पेट्रोल नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट गैस करूंगा, क्योंकि ये अभी चलेगा। डायरेक्ट गैस करके बताऊंगा मैं कैसे डायरेक्ट गैस कनेक्शन करता है। दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छा लगे था लाइक करना, अपने दोस्तों का साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसका संग संग बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि मेरे चैनल में कोई नया वीडियो अपडेट होने से आपका पास पहले पहुंच जाए। दोस्तों, लाइक ज़रूर करना, एक वीडियो में कम से कम लाइक करना। दोस्तों देखिए, डायरेक्ट मैंने कर दिया, अभी लाइन आ रहा है, आ गया, गैस भी सप्लाई हो रहा है, अभी स्टार्ट करके देखूंगा। देखिए स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट हो गया। तो ये डायरेक्ट करके मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका जो स्विच था वो स्विच ख़राब हो गया था, इसलिए डायरेक्ट करके स्टार्ट करना पड़ा। देखिए, ये जो ब्लू और रेड तार है, ब्लू और रेड तार डायरेक्ट करने से डायरेक्ट गैस होगा, और वो जो येलो तार है, रेड और येलो डायरेक्ट करने से डायरेक्ट पेट्रोल होगा। देखिए, ये तो उसका जो स्विच ख़राब हो गया, ये जो निकल दिया मैंने, निकलने से गाड़ी बंद हो गया, मतलब उसका जो स्विच था पहले, वो स्विच ख़राब हो गया था कन्फर्म। दोस्तों, ये मेरे पास पुराना स्विच है, ये स्विच लगा के मैं स्टार्ट करके देखूंगा। इसका जो गैस का जो सिग्नल होता है, एक दाग, दो दाग, तीन दाग, ये दाग का सिग्नल नहीं आता, लेकिन स्टार्ट हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गया, खोलने से देखिए बंद हो गया। जो पहले जो स्विच था, पहले स्विच कन्फर्म ख़राब था, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसका कारण में जो तार मैंने जोड़ रहा हूँ, इसका कारण में स्विच ख़राब हो गया, उसका ठीक से टेप करना होगा। चलिए फिर से स्टार्ट कर दिया गाड़ी को, ठीक से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, पिकअप भी ले रहा है। ये ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग को थोड़ा सा ठीक करते हूँ मैंने, हो गया ठीक, ऐसे ही ठीक चल रहा है। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोग का बहुत